देखिए बर्फी लाइक ये उलीकोट में है, तो प्रॉपर जो उलीकोट होता है जो बड़ा होके ऐसा होता है लाइक 9 to 10 months में, तो बहुत शानदार है। और इसका कोट देखिए, ये उलीकोट है। आप लोग में से बहुत कोई क्वेश्चन करते हैं हमको डबल कोट चाहिए, गाइस सारे हस्की डबल कोट होते हैं, वो चाहे स्टैंडर्ड कोट हो चाहे उलीकोट हो, ठीक है। तो जब बर्फी आई तब मुझे पता चला असली हस्की को रखने का मतलब क्या होता है, 4 बार घर से भाग चुकी है। ऐसे मैं बोल रहा था जो छोटा पप्पी जब गलती करता तो बड़े वाला उसको समझाता, अभी मैक्स उसको समझा रहा है तो पानी में नहीं जा सकती है, दिस इज़ बैड हैबिट। तो अभी उसको मारी, हमने कैमरा लाया तो इसलिए रुक गया। देखिए देखिए उसको पूरा मार के समझा। जो सबसे बेस्ट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक डॉग है तो सेकेंड डॉग आप लोग खरीद लीजिए, सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगा आपके लिए। क्यों गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हम लोग आ गए एक नया शानदार वीडियो में। तो गाइस आपने रिक्वेस्ट किया था जो मैक्सी और बर्फी का वीडियो लेके आओ, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि आपको वीडियो चाहिए, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था 80%। तो चलिए इस वीडियो में सारे टॉपिक पर बात करेंगे, बेसिकली इन लोग का अपडेट वीडियो, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है जो आपसे शेयर करना है तो भी करेंगे। तो चलिए शुरू करें। देखिए मैक्सू को, मैक्सू क्या हो रहा है, तार काट रही हो तुम, छोड़ दो। तो गाइस आप लोग पूछ रहे थे बर्फी कैसी है, बर्फी कैसी है, तो आप लोग देख लीजिए ये रही बर्फी। तो इसके साथ वीडियो शूट करना इज टू टफ। तो जो सबसे बेस्ट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक डॉग है तो सेकेंड डॉग आप लोग खरीद लीजिए, सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगा आपके लिए। क्यों, क्योंकि पहले मैक्सी अकेले थी, बहुत अकेला फील करती थी, पर जब से बर्फी आ गई है उसको अकेला फील नहीं होता, वो एक दूसरे में लगे रहते हैं, खेलते हैं, मज़ा मस्ती करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ था जब मैक्सी अकेले थी, वो हमें बाइट करना स्टार्ट कर दी थी, मैंने फ्रेंडली बाइट था जो हमारे साथ खेलो, और अब ऐसा नहीं होता, बाइट वाइट का सब हट गया और चीज़ें भी बाइट करती थी, मींस ख़राब कर देती बेसिकली काट वट के, तो वो सब चीज़ भी ठीक हो गया और मैक्सी भी बहुत खुश रहती है, ये भी बहुत खुश रहती है, दोनों एक साथ लगे रहते हैं। अगर आपके पास एक डॉग है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सेकेंड डॉग ले लो, बहुत अच्छा एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको। और सेकेंड जो चीज़ है, अगर आप फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट है या कुछ भी है, जब भी अपने घर पर आप नया डॉग ला रहे हैं ना, इसको छोड़ देता हूँ ठीक है, जब भी अपने घर पर आप लोग नया डॉग ला रहे हैं ठीक है, तो वो छोटा एक पप्पी आता है, वो भी हर चीज़ फर्स्ट टाइम देख रहा है अपने घर पर ठीक है, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करेगा, गलतियाँ करेगा ठीक है। जैसे पीछे हमारी बर्फी को अगर एक बार दिखा जाए, वो भी गलती करने जा रही हो, पानी में बैठ जाएगी, हमने देख लिया इसलिए रुक गई है। तो बेसिकली क्या, मैक्सी उसको मारेगी, मैक्सी उसको पूरा समझाती है जो ये गलती है तू मत कर, वापस आ। अब देखिएगा फिर से मैक्सी उसको मारने जाएगी, तो मैक्सी वापस आ गए। तो ये लाइक जो बड़ा डॉग है वो बेसिकली उसको सिखाता है ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था, अगर कोई पप्पी आप लोग ला घर पे ला रहे, तो फर्स्ट टाइम वो भी एक्सप्लोर कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, तो प्लीज़ उसको पनिश मत करिएगा, उसको मारिएगा नहीं, उसको प्यार से समझाइए, थोड़ा डांटिए, वो जब भी गलती कर रहा है तो डांटे प्लीज़। मैंने बहुत जगह देखा अपने, मीन्स बेसिकली पनिश करते फिजिकली उसको मारते, अब्यूज़ करते, मत करिए, वो भी छोटा सा एक बच्चा है, वो भी एक्सप्लोर कर रहा है ठीक है। तो ये एक एडवाइस है आप लोगों के लिए मेरे तरफ से, प्लीज़ ये सब मत करिएगा, वो लोग भी बहुत प्यारे, आपका फैमिली मेम्बर जैसे ही आया है ना। ऐसे मैं बोल रहा था जो छोटा पप्पी जब गलती करता तो बड़े वाला उसको समझाता, अभी मैक्स उसको समझा रहा है तो पानी में नहीं जा सकती है, दिस इज़ बैड हैबिट। तो अभी उसको मारी, हमने कैमरा लाया तो इसलिए रुक गया। देखिए देखिए उसको पूरा मार के समझाया। शाम को ये लोग कहीं पे लाते हैं, तो ये हम लोग का फर्स्ट छत है, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा मैं टूर भी दे देता हूं, तो इधर इन लोग को छोड़ देते हैं। तो बेसिकली जो नीचे हमारा और एक छत है उस पर लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इस पर कम आता है। ये बेसिकली हमारा सेकेंड छत है, आप लोग देखिए बर्फी लाइक ये उलीकोट में है, तो प्रॉपर जो उलीकोट होता है जो बड़ा होके ऐसा होता है लाइक 9 to 10 months में, तो बहुत शानदार है। और इसका कोट देखिए, ये उलीकोट है। आप लोग में से बहुत कोई क्वेश्चन करते हैं हमको डबल कोट चाहिए, गाइस सारे हस्की डबल कोट होते हैं, वो चाहे स्टैंडर्ड कोट हो चाहे उलीकोट हो ठीक है। और ये जो उलीकोट का जो सेकेंड कोट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा रहता है, इसलिए ये लोग उलीकोट में होता है, और हमारी बर्फी उलीकोट है। अब स्टैंडर्ड कोट का बाड़ी है, ये हमारी मैक्सी है, ये स्टैंडर्ड कोट की है। तो प्रॉपर जो स्टैंडर्ड कोट होता है ना, ऐसा होता है, एथलेटिक बॉडी आप लोग देख लो, बहुत शानदार है, ये प्रॉपर एथलेटिक बॉडी है। और इधर हमारी बर्फी जो पूरा इसको डिस्टर्ब करी इसलिए पकड़ के रखा हूँ। तो देखिए बता दूँ, मैक्सी बर्फी का लाइक हमने एक यूट्यूब चैनल खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो चैनल का नाम है मैक्सी बर्फी ठीक है, स्पेस बर्फी, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं बोथ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो उस पर लाइक हम लोग फनी फनी कंटेंट अपलोड करते हैं मैक्सी बर्फी के रिलेटेड, आपको फॉलो अप करना है उन दोनों को तो आप लोग कर फॉलो कर सकते हैं उन लोग को ठीक है। और जो दूसरा बात है जो बहुत लाइक फ्रिक्वेंटली पूछते हैं हम लोग, ये फूड दे दे, वो फूड दे दे, फूड, तो गाइस सबसे जो बेस्ट फूड होता है वो होता है होम फूड, आप लोग होम फूड दे सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है, हम लोग कहाँ से खरीदे हस्की या दूसरा ब्रीड, तो गाइस मैं बोल देता हूँ आप लोग कहीं से भी खरीदो, वो आपका चॉइस है, लेकिन
आप लोग कहीं से हर जगह ना हर टाइप के आदमी होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता ये ब्रीडर बेस्ट है तो उसका हर डॉग ही बेस्ट रहेंगे, चाहे ये जगह मार्केट बेस्ट है। तो आप लोग जाइए, आप लोग खुद, मैं जो आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, देखिए बेसिकली आप लोग जाइए, जो भी कैनल से आपको लेना है कैनल से आप लोग लीजिए। उसके बाद आप लोग पर्टिकुलर वो जो पप्पी ले रहा है उसको चेक करिए, क्योंकि लाइक कोई भी उतना सच्चा और सही आदमी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग पर्सनली जाके चेक करके लीजिए पप्पी खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है सही से, उसके मदर फादर कौन है, वीडियोज़ मांगिए और वैक्सीनेशन का वीडियो मांगिए, डिवॉर्मिंग का वीडियो मांगिए। वो मदर फीडिंग जब कर रही थी पप्पी अपने पप्पीज़ को मदर, तो उसका वीडियो मांगिए, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग जाइए पर्टिकुलरली चेक करिए, क्योंकि देखिए 5,000 का पप्पी भी अच्छा होता है, 50,000 का भी पप्पी अच्छा होता है। बस आपको ठीक से लेना है, जो पप्पी बस बीमार ना हो और उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना। सबसे जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को बताया, हम खुद अपना कस्टमाइज हार्नेस मीन्स दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत वैरायटी में हार्नेस हम लोग के पास है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी तक लाइक 10+ ऑर्डर आ चुके हैं, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। अभी हमने कहीं भी इसको पब्लिक नहीं किया था, बस एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ से आपने इतना प्यार दिखा। और फिर से नया स्टॉक आ रहा है, कुछ कुछ बाकी है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, जल्दी से ऑर्डर करिए नीचे दिए गए नंबर पर। देखिए बहुत सारे हार्नेस हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। हार्नेस बहुत प्यारे प्यारे हैं और सारे साइज़ के हैं और सब मीन्स कस्टमाइज़ लाइक अच्छे अच्छे कलर्स में भी है, और एक और बाकी सब सेम कलर वाले भी अवेलेबल है। तो गाइस आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताना है बर्फ़ी के बारे में। लाइक मैक्सी तो बहुत शांत है, आप लोगों को पता है, आप लोग जो भी फॉलो कर रहे हैं हमको, मैक्सी जैसा डॉग लाइक कोई हो ही नहीं सकता, इतना ओबीडियंट, इतना शांत। मुझे कभी कभी लगता है वो हस्की है कि नहीं है, लाइक हस्की इतना शांत नहीं होता, इतना मैं बात नहीं सुनते, थोड़ा स्टर्बन होते, बात नहीं सुनूंगी ऐसा, मैक्सी ऐसी नहीं थी। तो जब बर्फ़ी आई तब मुझे पता चला असली हस्की को रखने का मतलब क्या होता है। 4 बार घर से भाग चुकी है, ठीक है, बर्फ़ी 4 बार घर से भाग चुकी है, उसको पकड़ना पड़ता है लिटरली। इतनी स्मार्ट है, हमारा घर से निकलने का दो गेट खुलने के बाद वो घर से भाग सकती है। तो मेन एक दरवाज़ा, उसका जो हम लोग का गैरेज है उसका दरवाज़ा, उसके बाद बाहर भाग सकती है, ठीक है। तो सोचिए वो दोनों गेट को स्केप करके भागना इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैक्सी ने आज तक नहीं कर पाई ना। मैक्सी कोशिश भी करती है भागने का, बर्फ़ी 4 बार स्केप कर चुकी है। तो फर्स्ट टाइम एक हमारे लोकेलिटी में कुछ पूजा हो रहा था, तो प्रसाद देने आई थी 2 छोटी बच्ची। तो क्या हुआ, बर्फ़ी उन्होंने जैसे ही गोट खोला, बर्फ़ी उन लोग पे कूदी, वो लोग डर के मारे हट गए और बर्फ़ी डायरेक्ट बाहर। अब पूरे लोकेलिटी के बीच में बर्फ़ी इज़ काइंड ऑफ फेमस, तो सब उसको पकड़ रहे बर्फ़ी बर्फ़ी बोल के। लाइक बहुत फनी इंसिडेंट था, मैं तो था नहीं, तो मैंने बस कहानी सुना, तो मेरे सामने तो नहीं भागी, लाइक मैं कोलकाता में था बेसिकली। और दूसरा जो इंसिडेंट है बर्फ़ी का, बर्फ़ी पहले इस बेड पे चढ़ती है, तो आप लोग देख सकते हैं इस बेड के बाद हमारे जो स्टडी टेबल है जो अभी थोड़ा मेस अप हो चुका है, यहाँ पे चढ़ के इसको खोल के हमारा जो ये विंडो है इधर आप लोग देख सकते हो, थोड़ा बैठने का जगह टाइप का हो रखा है, ठीक है। तो उधर जाके वो बैठ के बाहर देखती रहती है, तो हमेशा ये शाम को या सुबह को जब भी उसका मूड करे तो करती है। तो बर्फ़ी इज़ काइंड ऑफ टू मच फनी। अगर आप लोग बर्फ़ी को फॉलोअप करना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं, तो जाके उन लोग का YouTube चैनल फॉलो कर सकते हैं, मैंने उन दोनों के लिए बनाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगर इन फ्यूचर आपको इस टाइप का लाइक स्टोरी टाइप का और डेली व्लॉगिंग टाइप का वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, तभी पता चलेगा। हाँ, और भी मैं इसका सीरीज़ लाऊंगा। और दूसरा जो बात आप लोग से पूछना था, देखिए बहुत सारे चैनल बहुत दूर दूर होता, मैंने फिज़िकली जाना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जो ब्रीडर लोग हैं बाहर बाहर के, उनको अपने चैनल पे लाऊं लाइव पे, उनसे बातें करूँ इन डेप्थ अबाउट दिस ब्रीडिंग एंड कैसे क्या हो रहा है, आपको दिखाओ अलग अलग कैनल। तो आप लोग अगर इससे आपको चाहिए ये चीज़, तो आप लोग ये भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, हाँ हमको चाहिए लाइव में अलग अलग ब्रीडर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जो अच्छे अच्छे ब्रीडर है, कही था। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोग बहुत क्लोज है 10K सब्सक्राइबर का, और 10K अगर सब्सक्राइबर हुआ तो गाइज बहुत बड़े बड़े गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू।